हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट जीके का सेकेंड चैप्टर मिसलेनियस का, ठीक है। इसके पहले आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर बताया गया, यानी आपका लूसेंट जीके का जो मिसलेनियस का फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट मेल इन इंडिया, उसके पूरा कंप्लीट बता दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको उसके आगे का कंटेंट बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका लूसेंट का बुक है जिसमें से आप लोगों को फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगा। और फिर उस वीडियो को कम्प्लीट देखिए जहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिसलेनियस, ठीक है। इसमें चैप्टर 9 आता है, ठीक है। चैप्टर 9 जो है वो आपका मिसलेनियस में आता है यहाँ पे, ठीक है। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर बताया गया है फर्स्ट मेल इन इंडिया, इसमें आपका ये सारे टॉपिक्स जो है, ये सारे टॉपिक्स हैं ये आपका कवर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा टॉपिक्स कवर कर दिया गया है। तो आप लोग को अब क्या पढ़ना है, आप लोग को आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ तक फर्स्ट इन इंडिया तक कवर कर दिया गया है, ओके। यहाँ तक पूरा आपका कवर कर दिया गया है इसके पिछले वीडियो में ही। तो आप लोग देखना चाहे तो वो वीडियो जाके फटाक से देख सकते हैं, ठीक है। चैनल वहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर कौन है, तो आंसर होगा अप्सरा। सेकेंड में देखिए फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन कौन है, INS चक्रा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फर्स्ट सबमरीन, फर्स्ट सबमरीन कौन है, INS कालवरी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप कौन है, INS विक्रांत। उसके बाद फर्स्ट इंटरमीडिएट ट्रेंच बलास्टिक मिसाइल कौन है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा अग्नि। उसके बाद फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड बलास्टिक मिसाइल कौन है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, फर्स्ट इंडियन मिसाइल, ठीक है, फर्स्ट इंडियन मिसाइल, तो ये आपका आंसर होगा पृथ्वी। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन, आंसर होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाउंडेड, ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पे फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो वो आपका आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है फर्स्ट टेस्टिव बेबी ऑफ इंडिया, तो हर्ष चावदा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, तो आंसर क्या होगा आपका, कोलकाता। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड, तो ये आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, भानु अथैया। नेक्स्ट है फर्स्ट पावर एटॉमिक स्टेशन क्या होगा, कहाँ है, तारापुर में है। फर्स्ट एशियन गेम्स, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आंसर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर, तो आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है फर्स्ट कलर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, तो यहाँ पे आपका कब हुआ था, 15 अगस्त 1982 को। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट साइलेंट मूवी, ठीक है, फर्स्ट साइलेंट मूवी कौन थी, यहाँ पे आंसर होगा राजा हरिश्चंद्रा, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन थे, यहाँ पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो थे वो दादा साहब फाल्के, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टॉकी या टॉकिंग और साउंड फिल्म, आलम आरा, आंसर होगा आपका आलम आरा। डायरेक्टर कौन थे, यहाँ पे अर्देश ईरानी। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म कौन थी, तो वो आपका झांसी की रानी होगा, ठीक है। ये आपका इसके पहले जो फिल्म बनता था वो सिर्फ यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक आता था, लेकिन फर्स्ट जो टेक्निकलर फिल्म थी वो आपका आंसर होगा झांसी की रानी। और इसको यहाँ पे इसके डायरेक्टर कौन थे, तो सोहराब मोदी। नेक्स्ट है फर्स्ट 3D फिल्म, तो फर्स्ट 3D फिल्म कौन थी, माई डियर यहाँ पे कुची चथान, ठीक है। ये आपका किस लैंग्वेज में थी, तो मलयालम। फर्स्ट स्पॉन्सर्ड टीवी सीरियल कौन था, या ड्रामा आप लोग बोल सकते हैं, तो आंसर होगा हम लोग, जो कि आपका 1984 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, तो हिक्की बंगाल गैजेट, ठीक है, जो आपका 1979 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद देखिए फर्स्ट यहाँ पे द फर्स्ट वुमेन एम्प्लॉय एक्सचेंज ऑफिस, तो ये कहाँ है, जयपुर जो आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडकास्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क कहाँ है, तो इडुकी, जो कि आपका केलरा में है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर थर्ड टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो ऐसे में आप लोग एक एक टॉपिक करके डेली एक एक वीडियो अगर देखते हैं, तो जैसे कि आप लोग का लूसेंट का जो सीरीज है वो एक दिन गैप करके आ रहा है, तो ऐसे में आप लोग को
ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। आप क्या करेंगे कि जिस दिन आपका लूसेंट का सीरीज मिल रहा है उस दिन आप उसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे आप रिवाइज करेंगे, ओके। तो ऐसे में आप लोग का ये कंप्लीट भी होते रहेगा। और होप करते आप लोग को पढ़ने में थोड़ा भी डिफिकल्टीज नहीं हो रहा होगा, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और साथ में वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं जल्द ही बीपीएससी का भी, आप लोग का बीपीएससी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का होता है वो भी कराने वाली हूँ, और साथ में आप लोग का यूपीएससी का सी सेट का मैथ हो गया, या फिर यहाँ पे जैसे स्पेशली पहले से ये चैनल जो था वो सिर्फ मैथ के लिए था, लेकिन बाद में कुछ चेंज के हिसाब से आप लोग को कुछ जीके, मुझे लगा कि इस टाइप के कुछ आप लोग को और ये कॉन्टेंट चाहिए। सिर्फ आप लोग को बीएससी मैथ के तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत ही कम लोगों को फायदा होता है, तो फिर ऐसे में मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पे और भी सारे यहाँ पे कंटेंट्स अपलोड किया जाए। साथ में आप लोग को बता दो कि मैं जल्द ही आप लोग के लिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जैसे ही बीआरएबीयू यूनिवर्सिटी जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसने अपना बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, ठीक है, वेबसाइट पे, तो आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन का वीडियो ना बना के उसका सॉल्यूशन करके आप लोग को प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप लोग को हेल्प मिले, ठीक है। तो मैं जल्दी वो बना रही हूँ, जल्दी जैसे ही आपका कंप्लीट होता है मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो जो भी बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में ये फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।